हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल GT गेमर्स पे। तो दोस्तों यार, जैसे कि कल की वीडियो में हमने कि जो लायर था उसने कहा था भाई तुम्हें एक माफिया से दोस्ती कर लो, तो भाई मैंने उससे दोस्ती कर ली थी, उसकी बेटी को उसके घर में ड्रॉप कर दिया था। तो भैया अभी उसने लायर ने मुझे जल्दी से बोला है कि भाई मेरे घर में आ जाओ, चलिए उसके होटल में आ जाओ, भैया उसका होटल है तो जल्दी से चलते हैं वहीं पर। ओके, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ उसके होटल में, और भैया यहाँ से मैंने शॉर्टकट ले लिया था, और ये रहा भैया उसका होटल, होटल का नाम होटल हॉरिजन है। ओके दोस्तों, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो यानी GTA Vice City की वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है और वीडियो के बाद आप देख लेना। ओके तो दोस्तों अभी हम चलते हैं। भाई इसने जल्दी में बताया, पता नहीं क्या ऐसी काम आ गया। ओके तो यहाँ पर ये लायर आ गया, और ये क्या कहता है, अच्छा अरे ये दूसरा बंदा कौन है, अच्छा ये रॉइट, अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा अगर आ रहा होगा PC में अगर आपने खेली होगी, तो भाई इसने कहा है कि इसका एक दुश्मन था जो कि फैक्ट्री का ऑनर है, तो भैया उसके जो वर्कर्स हैं वो उसके स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ पर, उसकी पे उनको अच्छी नहीं लग रही। तो भैया वो क्या कह रहा है कि वो उसका दुश्मन था, तो तुम एक काम करो, पहले तुम उनके वर्कर्स ऐसे कपड़े पहन लो, और तुम जाना वहाँ पर और उनके 4 वर्कर्स को मारना, और ये तुम मारोगे तो वहाँ पर जो उनकी पीसफुली जो स्ट्राइक हो रही है भैया वो एक लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिससे इसका बदला पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये कह रहा है कि तुम उनके जो ट्रक्स हैं वहाँ पर भैया तुम उसको भी सारे डिस्ट्रॉय कर देना, और भैया डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे गन चाहिए, तो पहले मैं यहाँ से कपड़े ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद गन शॉप भी हम जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े की दुकान शायद हम ऐप में दिख गई है, आपको दिख रही होगी, यहाँ पर टी शर्ट जैसी बनी है स्काई ब्लू कलर की। जल्दी से चलते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कौन से कपड़े उनको लेने हैं। ओके तो उतरते हैं यहाँ पर। ओके भैया टॉमी भैया उतर, जब ऐसे ये कपड़े अच्छे लगते हैं टॉमी को, और कोई कपड़े इसमें अच्छे नहीं दिए जाते टॉमी को, यही अच्छे कपड़े लगते हैं। और भाई ये क्या बकवास ये कपड़े पहन लिए इसने। ओके तो चलते हैं अभी गन शॉप में जाना हमको, और गन शॉप से अच्छी सी गन लेनी है। ओके तो दोस्तों यार मैं आ चुका हूँ गन शॉप में, और भाई ये शावर देखो कितना अच्छा है भाई, क्या लुक है इस शावर की, पूरा ओरिजिनल लग रहा है। तो भैया जल्दी से चलते हैं यहाँ पर गन शॉप में, और ये गाड़ी टकरा गई थी मुझसे, और भैया मेरी जीप पूरी बर्बाद हो गई है। यहाँ पर उतरते हैं यहाँ पर, और देखते हैं भाई कौन कौन सी हमें गन मिल जाती है। ओके तो यहाँ से चलते हैं, और भैया इस मार्क में जाना होता है, ये बता दो कौन सी गन है। पिस्टल है भाई, पिस्टल तो नहीं लेनी है हमको, हमको ये मैक अच्छी है भाई, और कोई देख लेते हैं, ये तो इसमें स्टॉक ही नहीं है भैया, ये तो है नहीं, यही लेनी पड़ेगी। एक पिस्टल कितने की है, पिस्टल 100 डॉलर की, तो ये ले लेते हैं हम। ओके तो दोस्तों यहाँ से कहाँ गया, हाँ यहाँ पर डॉलर का बाइक करने वाला है, तो ये हमने ख़रीद ली। ओके तो यहाँ से हम फिर से जीप में बैठते हैं, और ये चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर पिंक मार्क आपको दिख रहा होगा मैप में। ओके तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर मेरे को इस गन को गाड़ी से चलाने का भी ऑप्शन मिल गया, यानी कि जो टर्न काटने वाले ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, देखो ऊपर आपको देख रहे होंगे फायरिंग के ऑप्शन, तो ये अच्छी बात है, ये गन हमेशा मैं अपने पास रखूँगा। ओके तो यहाँ से मैं चलता हूँ और वीडियो स्किप करने वाला। ओके तो दोस्तों मैंने यहाँ से जल्दी से आ गया, और भैया यहाँ पर देखो स्ट्राइक हो रही है भाई, यहीं पर हमको अंदर जाना है, और भाई बाइक इतनी अच्छी गई। ओके यहाँ से उतरते हैं और देखते हैं भाई क्या स्ट्राइक हो रही है, क्या हमको क्या करना है भाई, क्या इतना काम आ गया। ओके तो दोस्तों आपने शोर सुन रहे हैं भाई, क्या ओ भाई साहब कितने लोग हैं यहाँ पर, और भाई क्या क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना है, इनमें से 4 वर्कर्स को पीटना है। तो भैया पीटने के लिए मैं पूरी स्कीम लगाऊंगा, यहाँ पर पहले को एक को मारूंगा, फिर यहाँ से भागते, क्योंकि अगर मैं यहीं पर सारों को मारूंगा तो भैया ये सारे मेरे को मारने पड़ जाएंगे, और मैं अकेला क्या क्या करूँगा। ओके तो भैया अब तुम आ जा मेरे पास, तेरे को यहीं पर भी मार दूंगा मैं, आ जा भैया ये ले। अरे ओले हाँ ना भाई, कितने धीरे धीरे आ रहा है भैया, अरे भाई साहब अब देखो इसको कैसे मारेंगे भाई, हथौड़े से भैया क्या हालत होगी होगी इसकी। ओके तो भैया यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर इनको सिक्योरिटी गार्ड बोले भाई घर में चले जाओ वापस, तो भैया मोटू तुम ही आ जा, तेरे को भी यहीं पर मारूंगा मैं। ओके आ जाओ भैया, मेरी हेल्थ कम कर गया ये, हाँ भैया तेरी तो, अरे अभी इसको मारो भैया। ओके तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 बंदे मार दिए, और 2 को और मारना है, तो यहीं पर इसको भी मारते हैं, आ जा भैया आ जा। अगर मैं इनको 4 को इकट्ठे मारता ना, तो ये 4 मेरे को मारने पड़ जाते, और भैया मैं अकेला क्या करता, इसलिए भैया मैंने एक एक करके मारा। अगर आप ये खेलते हो भैया मोबाइल में, तो भैया आप भी ऐसी स्कीम किया करो। ओके तो दोस्तों मैंने 3 को मारा, और भैया यहाँ पर अपने ये वर्कर फाइट करने स्टार्ट कर दिए। अभी मेरे को जल्दी से जाना भाई, ट्रक को फोन है, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये मेरे को मारेगा, देखो यहाँ पर मेरे को ये ट्रक फोन है, और यहाँ पर एक्सप्लोजिव भी है, तो इन्हीं को गोली मारूंगा, तो ये ट्रक अपने आप फूट जाएंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक्सप्लोजिव को गोली मारता हूँ। ओके तो भैया ये भी फायरिंग कर रहा है मेरे पे, चलो इसको छोड़ो भैया, ये तो बाहर चलेगा, ये मर जाएगा अभी, मरना भैया भाई, इसको मैंने ही मार दिया। तो भैया अब दूसरा ट्रक भी यहाँ पर फोड़ना है, और भैया ये अपने आप लड़ रहे हैं भाई, और भैया यहाँ पर, अरे यार फूट, हाँ फूट रहा है भैया, इसमें भी आग लगने वाली है, और मिशन 5, और भैया हमें मिल गए
$1,000 भाई बहुत ज़्यादा पैसा मिला उनको। तो भैया अभी हम जा रहे हैं एक नया घर भी खरीदना टॉमी के लिए, क्योंकि यार टॉमी के पास अपना कोई घर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो होटल हॉरिजन है उसके आउटसाइड ही भाई बहुत बड़ा घर है। तो भैया उसकी बिल्डिंग और कास्ट भी काफ़ी कम है। तो भैया मैं जल्दी से जा रहा हूँ वहीं पर और वही वो वाला घर खरीदे, भाई बहुत अच्छा घर है, आपने भी शायद देखा होगा। तो भाई मेरा एक प्लान है कि GTA वाई सिटी के जितने भी घर है भाई सारे खरीदेंगे। तो अभी शुरुआत उसी घर से करते हैं, तो जल्दी से चलते हैं भाई होटल हॉरिजन के पार। तो ये सामने से ही है, ये रहा, हाँ यहीं पर है। ओके तो दोस्तों चलते हैं। ओके तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और भाई ये देखो घर, भाई कितना बड़ा घर है भाई, बिल्डिंग जैसी है भाई ये। और यहाँ पर साइड में पार्किंग भी है और भैया देखो कितनी बड़ी पार्किंग है। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी गाड़ियाँ पार्क कर दूँगा। ओके तो दोस्तों अभी चलते हैं, अभी मेरे को जाना है इस घर के अंदर, शायद यहीं से बाय कर लेंगे हम बाहर से। हाँ बाहर पे देखो यहाँ पर लोगो बन रहा है घर का, तो यहीं पर हम बाय कर लेते हैं। ओके तो चलते हैं यहीं पर। ओके तो देखते हैं कितने का भैया प्राइस। अच्छा $15,000 का, तो भाई $1,000 तो अभी हमने खरीद लिया था। ओ भाई साहब क्या लुक, क्या भाई इस घर की, भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है भाई, भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ओके तो दोस्तों ये घर अभी हमारा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, अपने भाई को सपोर्ट देना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू।